एक्सट्रीम 125 वर्सेस रेडर 125, दोनों बाइकों का सेम टाइम सेम जगह सेम रोड पर सेम स्पीड पर सारा सिनेरियो सेम रखकर माले सेस करेंगे, दोनों बाइकों में समान पेट्रोल डालेंगे, समान पेट्रोल रहेगा। हाँ, राइडर का फर्क आ सकता है, आप देख रहे होंगे बहुत भारी सा आदमी इससे ऐसे बैठा नहीं जाता, नहीं चालती पालती मार के बैठता है, तो उसका भी सोल्यूशन हमारे पास है। हम हर 5 किलोमीटर के बाद राइडर्स चेंज कर लेंगे। शुरुआत में मैं रेडर चलाऊंगा, वो एक्सट्रीम चलाएगा, उसके बाद मैं रेडर पर आ जाऊंगा, वो एक्सट्रीम पर चला जाएगा, उसके बाद फिर से मैं एक्सट्रीम पर आ जाऊँगा। मतलब चीज़ें चेंज होती रहेगी, हर 5 किलोमीटर के बाद राइडर चेंज हो जाएंगे दोनों बाइकों के। उससे होगा ये कि दोनों बंदों का चलाने का तरीका अलग अलग है, वेट अलग अलग है, तो जो वेट और चलाने का तरीका है ना, उसका इफेक्ट दोनों बाइकों पर पड़ेगा। मेरा इफेक्ट दोनों बाइकों पर रहेगा और उसका इफेक्ट भी दोनों बाइकों पर रहेगा, तो किसी भी चीज़ में डिफरेंस हम नहीं रखेंगे, बिल्कुल सेम रखेंगे दोनों बाइकों को और समान पेट्रोल डालेंगे, समान जगह सेम स्पीड सब कुछ सेम रहने वाला है। फिर देखते हैं भाई क्या माइलेज देगी रेडर और एक्सट्रीम सेम टाइम पर, किसकी माइलेज ज़्यादा निकल कर आएगी, किसकी कम निकल कर आएगी। और हाँ, एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि यार मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ वीडियो में, तो यार कभी कभी इमोशनली हो जाता हूँ मैं। कभी कभी मैं YouTube खोल के देखता हूँ ना, तो मेरा जो सब्सक्राइबर रेशो है 8.5, मतलब कि लगभग 8.5% लोग ही ऐसे जो सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, बाकी लोग बस देख कर वीडियो छोड़ देते हैं। ऐसा ना किया करो भाई, हमें थोड़ी सपोर्ट मिलती है और हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ऐसी और ज़्यादा अच्छी मेहनत वाली वीडियो बनाने का, तो कर लिया करो यार, सच्चे दिल से बुरा लगता है यार, कर लिया करो भाई। तो यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं, साथ ही आपको बताना चाहूँगा, हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त राइडर विजयन पूरी राइडर फैमिली का स्वागत करता हूँ आज एक नई वीडियो के अंदर। और इसको बोलने का मौका मुझे मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये चुप ही अच्छा लगता है, ये चाह रहा था बोलने का, पर ये चुप ही ठीक है। बस आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, बाकी आसन वीडियो स्टार्ट करते हैं, लाइक कर देना वीडियो को। अभी भाई दोनों बाइकों को चला रहे हैं और जब तक चलाएंगे जब तक कि किसी एक का पेट्रोल खत्म नहीं हो जाता, फिर एक का खत्म हो जाएगा तो दूसरी बाइक से जिसमें पेट्रोल बचा है उससे धक्का देंगे उस बाइक को जिसका पेट्रोल खत्म हुआ है, फिर जहां पर दूसरी बाइक खत्म हो जाएगा मतलब दोनों बाइकों का खत्म हुआ है वहां पर डालेंगे पेट्रोल, उससे पहले हम पेट्रोल नहीं डालेंगे। बाइक बिल्कुल बराबर में चलानी, खाली रोड पर चलेंगे वहां पर चलाएंगे और बिल्कुल बराबर में, पीछे मत रहियो ना आगे भागियो, ठीक है, बराबर में चलनी चाहिए सेम स्पीड पर। और जब पेट्रोल डालेंगे उसके बाद तो बिल्कुल बराबर में चलाएंगे, फिर उसके बाद पीछे नहीं रखेंगे भाई बिल्कुल भी किसी बाइक को। अभी बिल्कुल बंद हो गई है भाई, भाई बहुत देर सांस ले लेके चली है ये बाइक, अभी बिल्कुल बंद हो चुकी है। अब मैं एक बार साइड में रोकता हूँ और फिर से स्टार्ट होने की कोशिश कर रही है ये, इसको समझाना पड़ेगा, अब नहीं हो पाएगा तेरे से यार, तू बहुत चली है पागल, दिल पे ना ले, बहुत चली है तू। तेर में रोक के दिखा देता हूँ आपको, स्टार्ट है वैसे बंद नहीं हो रही है भाई, देख रहे हो स्टार्ट है, बट अगर रेस दूंगा चलाऊंगा तो देखो, अरे चल रही है, इसलिए पता है मैं इन बाइकों में पूरा 1 लीटर पेट्रोल नहीं डालता क्योंकि इतना ज़्यादा चलती है भाई, इतना ज़्यादा चलती है यार, बंदा कहाँ तक चलाए, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है भाई, बिल्कुल चिन्ना सा पेट्रोल था इसमें, बहुत थोड़ा सा, लेकिन चले जा रही है, चले जा रही है, क्या बताऊँ मैं, इसको समझ नहीं आ रहा ख़त्म होना है पेट्रोल ताकि हमारी जी स्टार्ट कर सके। भाई अब फिलहाल बंद हो चुकी है भाई, उसको स्टार्ट ही रखियो, बंद मत करियो, बंद ना करियो, स्टार्ट ही रखियो, मैं एक बार स्टार्ट कर दिखा देता हूँ इस बाइक को, ये देखो भाई, भाई कितनी खुशी हो रही है मुझे, इसने इतना दौड़ाया, इतना दौड़ाया यार, ये भी बंद नहीं हो रही है, मिसिंग नहीं ले रही, ये भी बंद नहीं हो रही भाई, बहुत है इसके अंदर दौड़ी, भाई साहब ये बंद हो गई, लेकिन ये अब तक बंद नहीं है, वो तो पेट्रोल उसमें थोड़ा ज़्यादा होगा ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू अब इस पे आ, मेरे को उस पे बैठने दे। अभी भाई एक्सट्रीम का ख़त्म हो गया, अब रेडर से ना उसको पैर लगा के टोचन करना पड़ेगा ताकि रेडर का भी ख़त्म हो और जब तक चलाएं जब तक कि दोनों बाइकों का ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि हमें एक ही जगह पर पेट्रोल डालना है दोनों बाइकों में सेम जगह पर, क्योंकि ऐसे तो हम डाल के अभी ट्रिप स्टार्ट कर सकते हैं बट नहीं, उससे चीज़ें इतनी एक्यूरेट समझ नहीं आती। भाई हो गई फाइनली बंद हो गई भाई, बंद हो गई, मेरी सांस में सांस आई, सांस में तेरे सांस मिली तो मुझे सांस आई। एक्सट्रीम तक तो लेके जाऊंगा, जब इतना चल रही थी तो वहां तक तो चल, क्यों पैदल चला रही है, ओ हो गई, अब पता नहीं दोबारा बंद होगी नहीं होगी। हो गई बंद, हो गई सही, परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट जगह आके बंद हुई है, परफेक्ट टाइम तो नहीं था पर जगह परफेक्ट थी, एक्सट्रीम के पास ही आके बंद हुई है यार, उसमें पैरों से धक्के लगा लगा मेरे पैर में दर्द हो गया था, फिर लास्ट में अकेले को ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ मैं इसको पागल की तरह। देखो भाई अभी स्टार्ट नहीं हो रही है बाइक बिल्कुल भी, देख रहे हो ख़त्म हो चुकी है, अभी दोनों बाइकों का पेट्रोल हो चुका है भाई बिल्कुल ख़त्म, और दोनों में डालते हैं अब 250 ml पेट्रोल, भाई दिन छिपने वाला, अगर वीडियो खत्म होते होते रात हो जाए तो यार माफ़ करना भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत कराई दोनों बाइकों ने, 250 ml पेट्रोल मेरे को डर और लग रहा है, पता नहीं कितना चल जाएगी यार आज, ये पता नहीं क्या ही हो रहा है दोनों बाइकों में, 250 ml पेट्रोल डालेंगे दोनों बाइकों में भाई, इसका कोटा पूरा, इसको बंद किया और ये इसमें ऐसे डाल दिया,
इसको करते हैं बंद, अब एक्सट्रीम में डालते हैं। एक्सट्रीम का ढक्कन खोल, तो अभी एक्सट्रीम में डालते हैं भाई 250 ml पेट्रोल पूरा। चल भाई एक्सट्रीम चलाएगा, रेडर चलाएगा, पहले इसका ढक्कन बंद कर जेब में रख। पहले दोनों की ट्रिप वन ट्रिप टू को जीरो कर देते हैं और ऑडोमीटर चेक करा देता हूं मैं आपको। एक्सट्रीम का ऑडोमीटर 494, ट्रिप वन को कर देते हैं जीरो, ट्रिप ए हो चुकी है जीरो, ये ट्रिप बी एस को भी हम जीरो कर देते हैं, ट्रिप बी भी जीरो हो गई है। और ऑडोमीटर एक बार दोबारा चेक कर लो आप, 494 ऑडोमीटर है, आगे एक बार चेक कर लो। अभी एक बार रेडर का दिखा देता हूँ मैं, उसका रेडर का ऑडोमीटर है 114 किलोमीटर, ठीक है आपको दिख रहा होगा 114 किलोमीटर ऑडोमीटर है। अब ट्रिप बी एस को हम कर देते हैं जीरो, तो इसकी ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा लग रही है, आई थिंक कैमरे में कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ, ये जीरो जीरो हो चुकी है देख रहे हो। ट्रिप ए है इसको भी हम जीरो कर देते हैं, हो गई। ट्रिप ए भी जीरो है, ट्रिप बी भी जीरो है और ऑडोमीटर 114 किलोमीटर आपको दिख रहा होगा। मैं फ़ोटो लेके डाल देता हूँ बकायदा इसकी, क्योंकि इसकी मीटर की ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो कैमरे में क्या पता दिक्कत आ रही हो देखने में। ये फ़ोटो है, मैं लगा दूंगा टाइम के साथ, आप नोट कर लेना। टाइम हो रहा है 5:15, ठीक है ये तो दिख रहा होगा। मेरी बाइक के अगले टायर के पास तेरा पिछला टायर होना चाहिए, थोड़ी सी एक मीटर आगे होनी चाहिए तेरी बाइक, आगे होनी चाहिए। हाँ 1 मीटर आगे, 5 किलोमीटर पे वो करना है राइडर चेंज, 5 किलोमीटर को ट्रिप वन पे लगा ले। हाँ बस ठीक है, ठीक है 5 किलोमीटर पर रोक दियो, ठीक है। चल भाई शुरू करते हैं वीडियो, बहुत मेहनत के बाद स्टार्ट हो पा रही है भाई, स्टार्ट करने में ही पसीने छूट गए इस वीडियो को। दोनों बाइकों की जो स्पीड है वो सेम रखेंगे, चल 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 बराबर में रखना है, बराबर में। हाँ चल ठीक है भाई, दोनों बाइकें बराबर में चलेगी, जो स्पीड रहेगी सेम रहेगी दोनों बाइकों की। आगे ले हल्का सा, बराबर में रख आगे हल्का सा, हाँ अभी ठीक है। आपको कैमरे में दिखनी भी चाहिए ना कि हाँ दोनों बाइक सेम टाइम पर सेम जगह चल रही है, तो इस वजह से हल्का सा आगे रखा है मैंने उसको। दोनों बाइकें लगभग 60 की स्पीड के आसपास चल रही है और उसका वेट भाई थोड़ा ज़्यादा, शायद 90-95 किलो होगा आई थिंक, मैं आइडिया लगा पा रहा हूँ। मेरा वेट है 75, बट इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि आधे टाइम वो एक्सट्रीम चलाएगा, आधे टाइम मैं एक्सट्रीम चलाऊंगा और रेडर भी आधे टाइम मैं रेडर चलाऊंगा, आधे टाइम वो रेडर चलाएगा, तो वेट का कोई फ़र्क नहीं आएगा, बाइक चलाने का कोई फ़र्क नहीं आएगा, और जगह टाइम सिचुएशन पेट्रोल ये सब तो सेम है ही, स्पीड भी सेम है, तो बिल्कुल एक्यूरेट माइलेज निकल के आएगी कितना डिफरेंस रहता है दोनों बाइकों के माइलेज में। और मैं इसके साथ साथ ही चलूँगा जहाँ ये जाएगा, इसकी परछाई बन के ज़रा सा भी अलग नहीं होऊंगा मैं इससे। अभी अपनी बाइक में भाई 4.8 किलोमीटर हो चुके हैं, उसकी में भी शायद इतने ही हो रहे होंगे, 5 किलोमीटर पर राइडर चेंज करने का टाइम आ गया है, ये रोक रहा है, हाँ स्लो कर रहा है, तो आई थिंक उसकी में भी हो ही गए। तो भाई दोनों बाइकों में 5-5 किलोमीटर हो गए हैं, और देखो ट्रिप के अंदर ना थोड़ा 19-20 का फर्क हो सकता है, जब ट्रिप खत्म होगी तो क्या पता 100-200 मीटर ये आगे पीछे रहे वो आगे पीछे रहे, तो ऐसा फर्क आ सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम एक ही बाइक की ट्रिप के हिसाब से दोनों बाइक की माइलेज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है आ जाए। स्पेस में 5 है और 10 किलोमीटर होते ही रोक लेना, ठीक है। अभी राइडर स्विच करने का टाइम आ गया है और आगे चल के मैं जहाँ तक मैं सोचता हूँ, मैंने बहुत बार ऐसे माइलेज टेस्ट किया है, तो 19-20 फर्क आता है अलग अलग बाइकों में ट्रिप ए के अंदर, ट्रिप मतलब ट्रिप ए हो चाहे ट्रिप बी हो, जो भी ट्रिप है उस ट्रिप में फर्क आएगा दो बाइकों के अंदर। भाई दोनों बाइकों को हम बिल्कुल बराबर में चला रहे हैं और अभी 8.7 किलोमीटर हो चुकी हैं। ये एक बार बीच में थोड़ा स्लो पड़ गई थी, पता नहीं ऐसा जैसे कि पेट्रोल खत्म होने को हो रहा है, बट एक्चुअल में अभी इतनी चली नहीं है कि पेट्रोल खत्म हो जाए, बट कम पेट्रोल है ना तो थोड़ी थोड़ी मिसिंग कर सकती है बाइक, ये कोई बहुत नॉर्मल बात है, कोई ऐसी मेजर बात नहीं है। अभी 9.9 किलोमीटर हो चुके हैं, 10 किलोमीटर होने वाले हैं, फिर हम राइडर स्विच करेंगे, फिर से मैं राइडर चलाऊंगा और जतिन चलाएगा एक्सट्रीम। 10 किलोमीटर हो गए हो गए हो गए हो गए, बोलने बोलने में हो गए यार, ये तो बड़ी जल्दी हुए। हाँ तो हल्का फुल्का ट्रिप में डिफरेंस आता है, उसमें 9.9 है ना, हाँ इसमें 10 हो गए, तो इसके हिसाब से चलेंगे अपन एक्सट्रीम के हिसाब से। अभी तो एक्सट्रीम में बैठ जाओ और 15 किलोमीटर होते ही रोक लेना, हाँ उससे पहले रुक सकती है भाई, कोई पता नहीं है उसका। एक्सट्रीम देखो यार साइड में से कितनी एग्रेसिव लग रही है, मतलब खतरनाक सी लग रही है, ऐसे लुक्स तगड़े दिए हैं बाइक के यार कंपनी ने।
बहुत सही लगती है यार सही में। 125 सीसी में ऐसा मॉन्स्टर सा लगता है, बट थोड़ी सी फिट एंड फिनिश में थोड़ी शिकायत मेरे को हुई है बाइक से, बट ओवरऑल अगर प्राइस देखा जाए और फीचर्स देखा जाए, लुक्स देखा जाए, तो हाँ यार वैल्यू फॉर मनी है बाइक, और ये तो यार पहले से बहुत वैल्यू फॉर मनी रही है बाइक। तो नो डाउट एक दूसरे का कंपटीशन बढ़ाने आई है भाई दोनों बाइकें, बहुत ही शानदार बाइक है दोनों, वो भी बहुत तगड़ी चीज़ है, ये भी बहुत तगड़ी चीज़ है। बाकी टाइम के हिसाब से चीज़ें पता लगती है, जैसे टाइम के हिसाब से रेडर ने अपने आप को प्रूव किया है कि हाँ भाई सही सच में अच्छा प्रोडक्ट है, तो ऐसे थोड़ा टाइम निकलेगा तो उसका भी समझ में आएगा कि कितना अच्छा प्रोडक्ट है। और जितना विश्वास है हीरो पे, बस चीज़ें उतनी ही अच्छी रहे, उतना ही विश्वास बना रहे, मैं तो उम्मीद करता हूँ भाई। अपनी इंडियन ब्रांड है तो मैं तो चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट बनाए यार। क्या बंद हो रही है? क्या बंद हो रही है? बंद हो रही है? हाँ धीरे धीरे चला, हल्की रेस पे चला अब इसको भाई, वो थोड़ा बंद होने की सिचुएशन पर आ चुकी है एक्सट्रीम भाई। तो ऐसा कर, हमने ना देखो हमने 5 किलोमीटर बोला था, बट हम थोड़ा जल्दी राइडर चेंज कर रहे हैं क्योंकि अभी वो थोड़ा उसको चला नहीं पाएगा, तो अभी मैं चलाता हूँ उसको और ये उसको चलाता है, फिर उसके बाद मैं दोबारा इस पर आ जाऊँगा। तो चीज़ें चेंज होगी बट कोई नहीं, सब चीज़ें बैलेंस ही रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। ये लगभग 6.5 मेरे वेट से चलिए, 5 तेरे वेट से चलिए, तो 6.5 तेरे वेट से चलिए, 5 किलोमीटर मेरे वेट से चलिए, तो ऐसे बराबर सा ही रहेगा। तो मैं बस आपको बताना चाह रहा था कि बराबर ये चीज़ें। तो अभी करते हैं स्टार्ट। आ जा। तो अभी दोनों बाइक स्टार्ट कर लिया, एक्सट्रीम भी हो चुकी है और रेडर भी हो चुकी है, अभी चलाते हैं भाई, देखते हैं कहाँ तक चलेगी। मुझे लग रहा है एक्सट्रीम जल्दी ही हार मानने वाली है, और मैंने बोला था ना यार रात हो जाएगी आज की वीडियो में, क्योंकि यार बहुत टाइम लग गया इस वीडियो में बहुत ज़्यादा। वो इधर इधर ले ले, इधर 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 टर्न लेना है। तो मैं आपको देखो दोपहर को लगभग 3 बजे के आसपास इस वीडियो को बनाने लग रहे हैं और अभी 7 बज गए हैं। तो यार इतनी मेहनत लगती है यार इन टाइप की वीडियोज़ के अंदर, और हर कोई नहीं बनाता। तो यार इतनी मेहनत के लिए यार अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, सीरियसली दिल से बोला है। वो 8.5% का जो रेशियो है ना, उसको बढ़वाना है यार कैसे भी करके। यार थोड़ा अच्छा लगता है हमें भी जब हमारी मेहनत हमें कुछ देती है, मतलब कुछ मेहनत से कुछ मिलता है हमें। तो प्लीज़ जैसा आपको ठीक लगे, बट इतना ही बोल सकता हूँ मैं तो। भाई एक्सट्रीम फिर से बंद हो गई है, एक बार पहले बंद हो लिया, दूसरी बार बंद हुई है, अभी दोबारा स्टार्ट करके देखते हैं इसको। ये तो सिंगल रोड हो रहा है यार, ये गलत बंद होगी। पीछे ले बंद कर ले उसको भी, तब तक पीछे ले और थोड़ा साइड में लेते हैं भाई। ये सिंगल रोड है, हो जाए यार स्टार्ट। तो एक बार और ट्राई करते हैं, एक बार उसको ऑफ करके ऑन करते हैं। तो अभी हो गई है स्टार्ट तो दोबारा, बट दो बार बंद हो चुकी है वैसे तो, लेकिन स्टार्ट हो रही है, मतलब पेट्रोल तो है इसमें। वो बंद शायद इसलिए हो रही है, देखो थोड़ा फ़र्क इस चीज़ का ही पड़ता है, जो फ्यूल पंप होता है ना टैंक के नीचे, वो कहाँ पर लगा हुआ है। हो सकता है थोड़ा जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ पर, जैसे बाइक चलती है ऐसे रोड के ऊपर थोड़ा ऊपर नीचे होती है ना, तो फ्यूल अगर पंप के पास से हट जाएगा तो बंद पड़ जाएगी बाइक, समझ रहे हो। मतलब बहुत थोड़ा सा पेट्रोल होता है 250 ml, उसमें से भी आधे से ज़्यादा जल चुका होगा, तो बहुत 2-4 घूंट पेट्रोल होगा, तो वो फ्यूल मतलब टैंक के नीचे से फ्लो होता रहता है ना आगे पीछे आगे पीछे। तो अगर वो पंप के उधर से हट जाए तो फिर वो बंद होगी बाइक, तो इस वजह से बंद हुई है आई थिंक ये। बट चले से नॉर्मली सही रही है अभी, देख रहे हो आप। तो चलाते हैं थोड़ी देर रोड जब तक चलेगी, जब तक बिल्कुल बंद नहीं हो जाएगी तब तक चलाएंगे भाई, बिल्कुल ख़त्म करके ही आपको बताएंगे कि क्या माइलेज दे रही है बाइक। भाई यहाँ पे ना थोड़ा ट्रैफिक है, तो बाइक थोड़ा सा आगे पीछे हो सकती है, वो जस्ट मेरे पीछे चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड रुको। देखो ये रहा, तो माइंड ना करना, कुछ आपसे छुपेगा नहीं, इतना भाई पे विश्वास रखो। बट चलाते हैं बाइक, हमारा काम है बाइक चलाना और सेम सी स्पीड पर चलाना। बट वो कोशिश करेगा जैसे जैसे टाइम मिले उसको बराबर में आने की, बट जैसे ट्रैफिक आएगी, कार आएगी, कोई बाइक आएगी, तो वो थोड़ा पीछे लेगा यार, क्योंकि सेफ रहना ज़रूरी है, किसी को साइड भी देनी है भाई। और मेरे हेलमेट में मच्छर घुस गया। ओ भाई भाई भाई, कान के पास पता नहीं छोड़ा निकला नहीं निकला, पर मैं बाइक नहीं रोक सकता फिलहाल। बाइक तभी रुकेगी जब इसका पेट्रोल ख़त्म होगा या फिर ये खुद से बंद होगी, बस दो ही सिचुएशन बाइक रुकेगी, उसके अलावा बाइक नहीं रुकेगी। वो देखो मक्खी है, मतलब मक्खी का नाम ही है, मक्खी नहीं है ये, रेडर है, मक्खी तो सिर्फ अपने वाली है भाई। अभी एक्सट्रीम फिर से थोड़ी स्लो पड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मिसिंग कर रही हो, पेट्रोल ख़त्म होने वाला है ऐसा फील हो रहा है। देखते हैं भाई कहाँ पर रुकती है। ये बंद हो गई यार, ऐसी जगह बंद हुई है जहाँ ट्रैफिक है। एक बार स्टार्ट करके देखते हैं, अगर अभी स्टार्ट नहीं होती तो भाई फिर बस तीसरी बार बंद हुई है बाइक अभी। उसको तो बंद कर ले, हाँ ठीक।
ना भाई अब बंद, अब स्टार्ट नहीं हो रही है ये, अब बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रही है। सब पेट्रोल दे, पेट्रोल डाल देते हैं इसमें, अब नहीं हो रही है स्टार्ट। भाई देखो खूब स्लिप ले लिया है, देख रहे हो हेडलाइट तो सही है यार इसकी, हेडलाइट रेडर से अच्छी है इसकी हेडलाइट वैसे तो। अभी बाइक चली है ये 14.8 किलोमीटर, इसके मीटर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे ठीक है। तो माइलेज तो लास्ट में कैलकुलेट करेंगे कौन कितना माइलेज दे रही है, बट इसकी फ़ोटो ले लेता हूँ यार एक बार आपको। अरे थोड़ा और पैर देना पेट्रोल, इतने से क्या होगा, फोटो नहीं कैमरे से वीडियो बना लेता हूँ। तो ये ओडोमीटर है 508 किलोमीटर, ट्रिप ए 14.8, ट्रिप बी 14.8 ठीक है। तो कहाँ पे है पेट्रोल, तो अभी इसके अंदर तो पेट्रोल डाल देते हैं हम एक्सट्रीम 125 में, उसके बाद फिर रेडर को चलाएंगे, रेडर क्या माइलेज दे रही है। और अब हम राइडर चेंज भी कर लेते हैं, अब मैं रेडर चलाता हूँ वो एक्सट्रीम चलाएगा, क्योंकि रेडर को अब भाई मेरे वेट की और मेरी राइडिंग स्टाइल की ज़रूरत है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बैठ चुका है उसके ऊपर, तो अभी रेडर के ऊपर मेरे को जाना है। साथ साथ ही रखना ठीक है, क्योंकि ट्रिप इसी की काउंट होगी, मतलब साथ रखियो, अगर रोड खाली है तो साथ रखना और ट्रैफिक है तो जस्ट पीछे रखना ठीक है, ताकि स्पीड और डिस्टेंस सब सेम रहे। और इसमें पावर मोड लगा रखा है तो उसको माइंड मत करना, पावर और इको मोड में माइलेज सेम देती है रेडर, आपकी स्पीड पर डिपेंड होता है। बस ये पावर मोड इसलिए लगा रखा है क्योंकि वो इको मोड में ना इसका इंटेलिगो ऑन हो जाता है, वो अपने आप बंद कर देता है, तो वो इरिटेट करता है मुझे कभी कभी। अरे ये भी स्टार्ट नहीं हो रही, अच्छा हो गई, मुझे लगा ये भी बोली कि भाई मेरा भी यहीं पे नाप दो क्या माइलेज मेरा तो अभी एक्सट्रीम तो पीछे पीछे आ रही है, हाँ पीछे पीछे जस्ट अपने पीछे पीछे है। अभी रेडर भाई बंद हो चुकी है एक बार, तो अभी देखते हैं एक बार ऑफ करके ऑन करते हैं, स्टार्ट होती है फिर नहीं होती है। तो अभी तो स्टार्ट हो रही है, ये चलाते हैं जहाँ तक चलेगी वहाँ तक तो चलाएँगे, जहाँ तक चलेगी। दो बार रेडर बंद हो चुकी है और ये तीसरी बार फिर से बंद हो रही है भाई, अब नहीं चल पाएगी ये, अब नहीं चल पाएगी। और बहुत सही जगह आके बंद हुई है, यहाँ पर साइड में खड़ी कर सकते हैं बाइक आराम से, तो एक रूम वहाँ पे चलता हूँ उस खोखे के पास, इसको पैदल लेके चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कितने किलोमीटर बाइक चली है, दोबारा स्टार्ट करके देखते हैं। नहीं अब नहीं हो रही है स्टार्ट, दो बार बंद हुई है वैसे, ये भी न्यूट्रल करके फिर स्टार्ट कर लेते हैं एक बार, अगर कोई डाउट ना बचे आपके दिमाग में ना भाई। अभी देख लो बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रही है बाइक ठीक है। अभी मैं इसके ट्रिप और ओडोमीटर दिखा देता हूँ आपको, और उसकी हमने देख ली थी, अब इसकी देखते हैं क्या ट्रिप आई है दिखा दे बैठ के आराम से भाई। अभी यहाँ पर रेडर भी बंद हो चुकी है, और इसका ना ट्रिप वन ट्रिप टू दिखा देता हूँ, पहले मैं रेडर का दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर रेडर चली है 15.3 ट्रिप ए के अंदर, और ओडोमीटर है 129.3 किलोमीटर, और ट्रिप बी भी देख लो, ये ट्रिप बी है, ट्रिप बी में 15.3 ओडोमीटर 129.3। अभी अगर उसके मीटर का दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर ट्रिप ए में 15.4, ट्रिप बी दिखा 15.4, ओडोमीटर 509 किलोमीटर। रात को थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इस वजह से मैंने वो लास्ट में माइलेज वगैरह नहीं बताई, लेकिन ट्रिप वन ट्रिप टू और ओडोमीटर सब आपको चेक कराया था, सारी डिटेल्स आपसे शेयर करी थी। अभी अगर माइलेज की बात करी जाए तो एक्सट्रीम ने दी थी 59.2 किलोमीटर पर लीटर के माइलेज, और यहीं पर रेडर ने दी है 61.6 किलोमीटर पर लीटर के माइलेज। मतलब रेडर चेंज हो गई दूसरी वाली, लेकिन बस ऐसी खड़ी कर ली रेडर है ना, वो चली गई है कहीं पर, अभी बाद में आएगी। तो यहाँ पर 2 किलोमीटर पर लीटर एक्स्ट्रा चल रही है रेडर 1 लीटर पेट्रोल के अंदर। और देखो इस तरह की वीडियोज़ में ना बहुत मेहनत लगती है, और फिर भी आप लोग ऐसे वीडियो देख के चले जाते हो, लगभग 8.5% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं, बाकी बस देख कर चले जाते हैं। तो बस आपसे इतना बोलना है कि जो 8.5% का सब्सक्राइबर रेशियो है उसको बढ़वा दो यार, सब्सक्राइब करो अपने भाई के चैनल को, ताकि मैं और ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ। और आप लोग कमेंट कर देना कौन कौन सी वीडियो चाहिए, बाकी आपको ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिल रहा है माइलेज के अंदर, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा करिए रेडर। और इसके अलावा भी दोनों बाइकों का एक कंपैरिजन शूट किया है मैंने, कि कौन सी बाइक में क्या चीज़ें बेस्ट मिलती है, कौन सी बाइक में क्या चीज़ें अच्छी नहीं है, वो डिटेल कंपैरिजन वीडियो है, वो भी आज कल में एक दो दिन में आ जाएगा, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से मैं डाल नहीं पाया, बट रेडी है वो, बस एक दो दिन में आने वाला है। और दोबारा बस ये बोलना चाहता हूँ, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लेना, अपने भाई को इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, और सब्सक्राइब करना तो यार बिल्कुल मत भूलना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, टेक केयर, ध्यान रखना, मस्त रहो और खुश रहो यार।